अस्सलाम दोस्तों, इंडिया सेकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है एक्सरेटोरी सिस्टम, कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड सरोड इन एक्सप्रेशन। अच्छा, अब इसमें कहता है कि हम प्रीवियस क्लास यानी कि सातवीं क्लास में हम भी पढ़ेंगे, तो ये कह रहा है कि हमने पढ़ा होगा, आपने भी पढ़ा होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। उसमें जो है वो क्या होता है कि हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंस इन अनडाइजेस्टेड फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस अ पार्ट ऑफ डाइजेशन इंस्पायरेशन रिस्पेक्टिवली। कहता है कि हम अनडाइजेस्टेड फूड हो या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब प्रोड्यूस होती है, जब डाइजेशन होती है या रिस्पायरेशन होती है, डाइजेशन में जो खाना होता है वो कहाँ जाता है, रिस्पायरेशन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है। कहता है कि अभी आपने कभी सोचा है, तो उसके बारे में आगे बात कर रहा है कि वाट विल हैपन टू अवर बॉडी दीज वेस्ट मटीरियल रिमेन इन बॉडी। अगर वो जो है वो वेस्ट मटीरियल निकालना चाहते हैं, वो अगर हमारी बॉडी में रहे तो क्या होगा। कहता है कि वाट हैपन टू वाटर दैट वी ड्रिंक, हमारा जो हम पानी पीते हैं उसका क्या होता है। हाउ डू एलिमिनेट लिक्विड वेस्ट फ्राम आवर बॉडी, पानी का जो है वेस्ट होता है, जो ज़ाया के काबल पानी जो होता है उसको हम कहाँ करते हैं। वट इज़ द फंक्शन ऑफ किडनीज, और किडनी का क्या काम है। द एक्सरेटरी सिस्टम इज़ क्रिटिकल टू सर्वाइवल, कहते हैं एक्सरेटरी सिस्टम जो है वो बहुत ही एम है सर्वाइव करने के लिए। द ट्रिलियंस ऑफ लिविंग सेल्स दैट ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस मेटाबोलिक वेस्ट विच मस्ट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। कहता है कि ट्रिलियन ऑफ लिविंग सेल्स, ट्रिलियन के मकदार के जो लिविंग सेल्स होते हैं वो जो है वो ह्यूमन बॉडी हमारी जो इंसान की जिस्म में होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट करते हैं। इनको हमारी बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। इफ़ दिस वेस्ट आरंट एलिमिनेटेड इट माइट लीड टू डेथ, अगर हम इन जो है वो वेस्ट मटेरियल को या मेटाबॉलिक वेस्ट को हम बाहर नहीं निकालते तो ये हमें मरने के करीब लेके जा सकते हैं या मार भी सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग दिस वेस्ट मटीरियल फ्राम द बॉडी इज़ नोन एज एक्सरेशन ऑफ। अब इन जो है वेस्ट मटीरियल्स को, इसमें जो है वो पानी आ जाता है वेस्ट, उसके अलावा आगे चल के पढ़ते हैं कौन कौन से, इनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। अच्छा, अब यहाँ पर है वाटर आर द वेस्ट मटेरियल्स आर बीइंग एक्सक्रीटेड फ्रॉम ह्यूमन बॉडीज। एक होता है वाटर इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। जो है वो कहता है कि सेल प्रोडक्ट होता है वाटर, किसका प्रोडक्ट होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन को, जब ज़्यादा पानी आ जाता है हमारे खाने में और लार्ज बड़े जो है वो आंत में, तो उसको हम जो है वो वेस्ट करते हैं, क्या बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वो भी एक वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू बनता है। मिनरल साल्ट्स जैसे एक्सेस सोडियम क्लोराइड फ्रॉम फूड, और खाने में जो मिनरल आता है, मिनरल साल्ट्स जो आता है वो उसका ज़्यादा बंट बढ़ जाता है तो उसको भी निकालना पड़ता है। उसके बाद यूरिया द नाइट्रोजीनियस मटेरियल प्रोड्यूस फ्राम ब्रेक डाउन ऑफ एक्सेस प्रोटीन इन लिवर। अच्छा, अब ये चार चीज़ें जो है वो जिस्म से हमारे निकलना ज़रूरी होती हैं, लेकिन अब ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम में ये जो चीज़ें आती हैं इसमें ये है, एक है एब्डोमिनल ओल्टा और इन्फीरियर वेना कैवा, रेनल आर्टरी और रेनल वेन, उसके बाद यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। अच्छा, ये सारा उसका स्केच है। अच्छा, आगे अब चलते हैं कि द रोल ऑफ किडनी। अब वही बात कह रहा है, इन प्रीवियस चैप्टर हमने स्टडी किया था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो ना जो है वो डाइजेस्ट जो नहीं होता उसको बाहर निकालता है बॉडी से, और उसी तरह ये कहता है कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन कार्बन डाइऑक्साइड और रिस्पायरेशन के दौरान क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है वो एलिमिनेट होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। बॉडी ट्रांसप्लांट सिस्टम एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम, इट इज़ इंपॉर्टेंट नोट दैट ऑल सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी आर कनेक्टेड एंड इंटर रिलेटेड टू परफॉर्म फंक्शन। कहता है कि हमें पता है कि सारे जो जिस्म के जो है वो पार्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और वो एक बॉडी के लिए काम करते हैं, फंक्शन करते हैं। सो द डिफरेंट वेस्ट मटेरियल स्पेशली एक्सेस ऑफ वाटर मेटाबॉलिक वेस्टेज एंड साल्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी। इस तरह कहता है कि जो डिफरेंट मुख्तलिफ वेस्ट मटेरियल हैं वो हमारी बॉडी से बाहर निकलते हैं, उनमें क्या है, पानी है, मेटाबॉलिक वेस्ट है और नमक है, रिमूव होते हैं हमारी बॉडी से। हेयर वी विल स्टडी इन डिटेल्स मेन ऑर्गन ऑफ एक्सरेटरी सिस्टम दैट इज़ किडनी। कहता है कि मेन बॉडी जो है वो किडनी है, तो किडनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। किडनीज आर एसेंशियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन एक्सरेटरी सिस्टम, देयर आर टू किडनीज इन द लोअर एब्डोमिनल रीजन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम,
विच आर लेफ्ट किडनी एंड राइट किडनी, द किडनी आर द बीन शेप। तो किडनी के बारे में बता रहा है कि किडनी, दो किडनी होती है हमारे जिस्म में, और जो है वो एक राइट होती है एक लेफ्ट किडनी होती है, और बीन शेप होती है जिसको हम बीन को उर्दू में क्या कहते हैं, बहरहाल सिंधी में इसको चौरा कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं उसके अलावा कहता है कि ये मतलब बीन शेप की होती है, रेडिश ब्राउन होती है, और ये फुल हो जाती है तो ये जो भी वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में होता है यूरेथ्रा के थ्रू उसको, एक मिनट ये बाइक चली जाए, अच्छा कहता है कि ये बॉडी जब ये रेडिश ब्राउन बीन शेप किडनी जब फुल हो जाती है तो फिर क्या करती है, एलिमिनेट करती है, बाहर निकालती है बॉडी से यूरेथ्रा के थ्रू। यूरेथ्रा जो हमने पढ़ा था पीछे, यानी कि ये वाला यूरेथ्रा लास्ट वाला, ये यूरेथ्रा से निकालती है, ठीक है जी। अच्छा अब द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज़ डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर्ड लिक्विड नोन एज यूरिन, इसको हम पेशाब कहते हैं, येलो कलर यानी कि पीला कलर जो होता है उससे उसके लिक्विड की फॉर्म हमें यूरेथ्रा के थ्रू निकलता है जो भी वेस्ट मटीरियल होता है। हाउ डज किडनी फंक्शन, अब कहता है कि रेनल आर्टरी ट्रांसपोर्ट्स ब्लड इन द किडनीज, रेनल आर्टरी जो है वो ब्लड को जो है वो किडनी में ट्रांसपोर्ट करती है, दिस ब्लड इज़ रिच इन वाटर, ये ब्लड जो होता है वो खून जो होता है वो पानी से भरा हुआ होता है, यूरिया एंड डिसॉल्व मिनरल साल्ट्स, यूरिया और डिसॉल्व मिनरल साल्ट जो होते हैं, ईच किडनी हैज़ अबाउट अ मिलियन टिनी यूनिट्स का नेफ्रॉन्स, और हर किडनी जो है वो मिलियंस ऑफ टिनी यूनिट्स का नेफ्रॉन में जो है वो होते हैं, उनके पास होते हैं, नेफ्रॉन टेक इन ब्लड मेटाबोलाइज इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प्स पास आउट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फिल्टर्ड ब्लड। नेफ्रॉन क्या कहता है कि ब्लड में मेटाबोलाइज करता है न्यूट्रिएंट्स को और मदद करता है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर ब्लड देने में, ठीक है। अच्छा इन द नेफ्रॉन कॉम्प्लिकेटेड केमिकल एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन कैपिलरीज एंड यूरिन यूरिन कैरी ट्यूब्स एज अ रिजल्ट वेस्ट मटेरियल एंड वाटर लीव्स ब्लड एंड इंटर यूरिनरी सिस्टम। कहता है कि नेफ्रॉन में क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड केमिकल एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से जो है वो कैपिलरीज यूरिन ट्यूब्स के बीच में और रिजल्ट में क्या आता है कि वेस्ट मटेरियल जो है वो और वाटर जो है वो खून को छोड़ देता है और यूरिनरी सिस्टम में चला जाता है, और यूरिनरी सिस्टम कुछ इस तरह है जिसमें किडनी, उसके बाद यूरेटर आता है, उसके बाद ब्लेडर और यूरेथ्रा जो कि पीछे हमने देखा था पिक्चर में। अब यहाँ पर आप देखें यूरेटर है ये, ठीक है, और यूरिनरी ब्लड है ये और यूरेथ्रा ये है, ठीक है जी। अच्छा जी आगे द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट रिमूव्ड फ्रॉम ईच किडनी पास थ्रू द यूरेटर, कहता है जो भी एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है जो रिमूव होता है किडनी से वो पास होता है कहाँ से, यूरेटर से, जो कि दूसरे नंबर पे है, द यूरिनरी ब्लेडर, उसके बाद यूरिनरी ब्लेडर में आता है, द यूरिनरी ब्लेडर फंक्शंस टू स्टोर दिस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट टेम्परली, ब्लेडर का काम क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर के लिए इनको स्टोर कर सकता है, वेन इट इज़ अ फुल, जब वो फुल हो जाता है, जैसे कि हमारी पेशाब तो बन रहा होता है लेकिन वो ब्लेडर में होता है मौजूद होता है कुछ देर के लिए, जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या करता है, एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट विल एलिमिनेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा, फिर क्या करता है वो यूरेथ्रा के थ्रू उसको निकाल देता है, दिस एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इज डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर लिक्विड नोन एज यूरिन। अब कहता है कि ये जो यूरेथ्रा के जो थ्रू निकलता है इसको हम यूरिन कहते हैं, यानी कि पेशाब कहते हैं, जो कि येलो कलर के फॉर्म में होता है, और ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम है।